अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एलिमेंट्स को इनकी स्पेसिफिक सिंबल्स किस तरह असाइन हुई। सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक्स ने अपने चार एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अर्थ को क्यूबिक शेप दी, एयर को उन्होंने ऑक्टाहेड्रल शेप दी, फायर को टेट्राहेड्रल कहा और वाटर को आइकोसाहेड्रल कहा। इसके बाद एंटोइन लेवाजे ने केमिकल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कराया। लेवाजे ने अपने प्रपोज्ड एलिमेंट्स को चार कैटेगरीज में ग्रुप किया और ये ग्रुपिंग उसने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर की। पहले ग्रुप को उसने गैसेस का नाम दिया, दूसरे ग्रुप को उसने नॉन मेटल्स कहा, तीसरे ग्रुप को उसने मेटल्स, जबकि चौथे ग्रुप को उसने अर्थ सब्सटेंसेस कहा। इसके बाद जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1803 में एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट की, डाल्टन की ये थ्योरी न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी में प्रेजेंट की गई। क्योंकि कदीम केमिकल सिंबल्स उसकी थ्योरी में फिट नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने खुद स्टैंडर्ड सिस्टम का न्यू सेट प्रपोज किया। लेकिन डाल्टन के सिंबल्स पिछले सिंबल्स से ज्यादा बेटर साबित नहीं हुए। कुछ साल बाद डाल्टन के सिंबल्स को जॉन बर्जीलियस ने अपनी केमिकल सिस्टम से रिप्लेस किया, जो आज भी यूज की जा रही है। उसने ये सजेस्ट किया कि लेटर्स को यूज करके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना ज्यादा इजी है। कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद बर्जीलियस के सिंबल्स ही आज एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सो हैव अ लुक ऑन सम ऑफ देम। Thanks for watching. Allah Hafiz. Take care.